वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। आज की वीडियो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स पर बेस्ड आज की स्टडी डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से, जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड्स इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री, right? He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience. Look here, आपके लिए मैं यहाँ पर इसको दोबारा से लिख देती हूँ। Here it is x, here 5, here 2, 7, 8, 3. Then factors करने हैं y and 253 है, 250 के further factors हैं, तो मैं 250 यहाँ लिख रही हूँ, 253, क्योंकि आगे इसके factor हो रहे हैं। Here it is y. Next it is 11 and here we have z, right? Observe the following factor tree and answer the following. What will be the value of x? Look here, x की value क्या होगी? X के दो factor है 5 और 2, 7, 8, 3, ठीक है? तो इन दोनों को multiply करके x आएगा। Simple सी बात, 5 से multiply कर दो, 5, 3 जा 15, 1 carry, 5, 8 जा 40, 4, 5, 7 जा 35, 39, 3 carry, 5, 2 जा 10, प्लस 3, 1, 3, 9, 1, 5, वेयर इज हेयर बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई? नाउ लुक हेयर, फॉर द वैल्यू ऑफ वाई 2, 7, 8, 3 के फैक्टर्स है 5 into 2, 5, 3, राइट? तो डिवाइड कर दो, सिंपल 2, 5, 3 से डिवाइड करेंगे 2, 7, 8, 3, ओके 1 जा 2, 5, 3 माइनस कर दो 5, 2, 3, 1 जा, राइट? सो वाई वैल्यू इज 11। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड? जेड की वैल्यू निकालनी है, 253 के फैक्टर्स आए हैं 11 into z, राइट? इसी तरह से आगे कर दो, 11 से डिवाइड कर दो 253 को, 11 2 जा 22, 3 remainder 33, 11 3 जा 33, राइट? सो z वैल्यू इज 23। ओके, आगे देखो, 13915 इज अ इवन नंबर? नो, इवन नंबर के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, राइट? प्राइम नंबर? नो, इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, राइट? कंपोजिट नंबर? यस, इट हैज मोर देन टू फैक्टर। फॉर प्राइम नंबर वी नीड एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, राइट? फॉर कंपोजिट नंबर वी नीड मोर देन टू फैक्टर्स। सो एज 13915 हैज मोर देन टू फैक्टर्स, सो इट इज कंपोजिट नंबर। और ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कौन सा नंबर है जो कि ना प्राइम है ना कंपोजिट है? 1। समझाया था आपको, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। व्हाई? बिकॉज इट हैज एग्जैक्टली वन फैक्टर, राइट? नेक्स्ट देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 इज क्या क्या आया? देखो, 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई थी? 11, फिर से 11, आप ये सारे फैक्टर, ये सब प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है? तो आप उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5 इंटू वाई की वैल्यू 11 इंटू 11 एंड जेड इज 23, 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो 5 पार्ट्स हैं, उसमें से आपको 4 करने हैं, आपको बार बार बताया जा रहा है, और कॉन्सेप्ट्स पर अच्छे से काम करिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी केस स्टडी इजीली कर सकते हैं। ओके, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।